हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों केबीएस ने एक और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें जो है केबीएस जीएसए का जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट का और जो है एसएसओ का और जितना भी नॉन टेक्निकल आपका जो है कि फॉर्म था, सबका जो है आंसर की जो है आ चुकी है। आंसर की भी जो है क्वेश्चन पेपर जो आपने दिया था, ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर और जो है आंसर की जो है आ चुकी है दोस्तों। तो आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, नॉन टीचिंग जो है कि जीएसए वगैरह वगैरह सबकी आ गई, ठीक है, जो पीआरटी की बाद में हुआ था पेपर अभी फिलहाल में, उसका भी जो है आंसर की आ चुका है। तो दोस्तों आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे आइए हम देखते हैं। इससे पहले आप लोग से एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग के लिए वीडियो बनाया जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है, हमेशा एक सच्ची जानकारी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, उस पर आपको करना क्या है दोस्तों, केबीएस ऑफिशियल वेबसाइट करके सर्च कर देना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे केबीएस विद्यालय जो है संस्थान यहाँ पे दे रखा है, तो आपको क्या करना है, अनाउंसमेंट पे कर देना। इस पर भी करेंगे तो आ जाएगा, पर आप अनाउंसमेंट पे करना, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा लिंक। अनाउंसमेंट पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिख रखा है कि नोटिस रिगार्डिंग डाउनलोड ओमआर सीट एंड आंसर की फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन एसओ एसएससी, ठीक है, उसके बाद स्टेनो है और जीएससी है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सबका आ चुका है और पीआरटी का जो रुई एग्जाम हुआ था उसका भी आंसर की जो है आ चुका है। तो आपको दोस्तों करना क्या है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंक व्यू चैलेंज आंसर की, आपको आंसर की अगर डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आंसर की खुल के आ चुका है। अगर आपको अपना क्वेश्चन पेपर देखना है कि आपने जो पेपर दिया था, ठीक है, वो आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख रखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो चलिए एक पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन पेपर जो है चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के लिए इस पर, आंसर की के लिए इस पर। तो आप क्या करेंगे इस पर, चलिए मैं क्वेश्चन पेपर पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करते ओके आपको करना, ओके करते ही दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका जो है खुल के आ रहा है, तो आपको क्या करना, लॉगिन करना है थ्रू एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड, ठीक है। अगर आप मान लीजिए थ्रू एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड करना चाहते हैं या थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, तो आप चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि यहाँ पे दे देगा आपका जो है एप्लीकेशन नंबर डालना है या डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है, उसके बाद आप साइन कर देंगे। जब साइन कर देंगे तो आपका खुल के आ जाएगा वहीं पे, तो आपका क्वेश्चन पेपर दिखाएगा, उस पर आप क्या करेंगे दोस्तों, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, एक कन्फर्मेशन पेज दिखाएगा और जो है क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट दिखाएगा, तो उस पर आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। सेम इसी तरह आंसर की में भी करना है आपको दोस्तों। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।